हाँ हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं इसको। वाइल वाइल, ठीक है। वाइल के अगर साथ अगर वर्ब रहता तो कौन सा फॉर्म यूज करते? वी फोर। द है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउन। वाइल द इम्फसाइज ऑन इकोनॉमिक टाई, कौन सा? आर्थिक बंधनों पे। सूड, सूड किसके लिए आएगा? तो यहाँ पे ये कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट वर्ब लेगा ना, तो सब्जेक्ट वर्ब सूड। सूड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म सूड। कीप द रिलेशनशिप इन गुड स्टेट, गुड स्टेट में अच्छे तरह से, मतलब अच्छे गति में बनाए रखना उसके रिलेशनशिप को। द गवर्नमेंट, अब कंजंक्शन लगाए तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब है, एक नया सब्जेक्ट वर्ब लेगा। कांट, कांट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जस्ट क्या हो गया? एडवर्ब। पुट द बॉर्डर इशू, नहीं रख सकता क्या? ऑन द बैक बर्नर, ठीक है, कि पीछे नहीं रख सकता उसको भी क्या है, आप डील कीजिए। एंड एक्सपेक्ट, अब बताना है एक्सपेक्ट किसको जोड़ रहा है? तो देखो वर्ब का एंड के बाद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इधर भी क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक्सपेक्ट ट्रांजिटिव नेचर का, तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। एक्सपेक्ट इट टू बी सॉर्टेड आउट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या है? वी थ्री। अब बताना ये एक्टिव है कि पैसिव है? तो बोलेंगे पैसिव है, जब इन्फिनिटिव को पैसिव बनाना पड़ेगा ना, जैसे कहते हैं टू सेल, ये एक्टिव। टू बी सोल्ड, ये क्या हो जाएगा? पैसिव। ये बेचने के लिए, बेचे जाने के लिए, ये बेचने के लिए, बेचे जाने। टू बी सॉर्ट आउट, मतलब सॉल्व किए जाने के लिए। द मोडालिटीज टू डिस्कस द इशू एंड सीक, अब फिर बताना एंड किसको जोड़ रहा है? तो डिस्कस को और सीक। चाहना ए लास्टिंग सॉल्यूशन, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन जो बहुत दिन तक चले। सूड, सूड किसके लिए बताना? तो मोडालिटी के लिए। सूड बी ए प्रायोरिटी, किसके प्रायोरिटी होगा? गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप हिंदी ट्यूटोरियल करना और देखना कि ये इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा, करके कोशिश करके देखिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकाल के देखो, प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन के बाद क्या आ रहा है, ये सारा कुछ देखो। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, ये सब कुछ आप क्या है देख।